हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से पुरुषोत्तम गावंडे जी, बड़े सरकारी अधिकारी रहे हैं, आजकल सेवानिवृत्त हैं और उन्हीं सरकारी स्कूल से, उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ करके इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। अब इसके पहले कि हम पुरुषोत्तम जी और प्रकाश जी के पास जाएं, डॉक्टर माया की राय ले लें, क्योंकि डॉक्टर माया एडुकेशन को लेकर के और हेल्थ को लेकर के काफी काम कर रही है। डॉक्टर माया, हमारे एडुकेशन को राइट टू एडुकेशन के बजाय अगर उसको फंडामेंटल राइट में रख देते कि हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और ये उसकी गारंटी है, आपको लगता है कि अगर ये बात हो जाती तो भारत का नक्शा कुछ और रहता, भारत की शक्ति कुछ और रहती? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप समझिए, सिर्फ मुफ्त की भी बात नहीं है, एक क्वालिटी भी देना सरकार का फर्ज बनता है और वो शुरू में था। आप और जैसे ही कोई भी फील्ड आप ले लो तो उसमें जब भी प्राइवेट और सरकारी दो फील्ड आप रखोगे तो आप खुद देखोगे कि सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के प्रेशर में सरकारी चीजों को खराब होने में, मतलब उनको पहले तो निग्लेक्ट करते हैं, उसके बाद मतलब कोवर्टली और ओवर्टली उन सब संस्थानों को गिराया जाए। आप ऑयल सेक्टर देख लो, आप टेलीफोन सेक्टर देख लो, कोई भी सेक्टर, आप हेल्थ सेक्टर देख लो, जो सरकारी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स पहले जितने अच्छे थे उससे बिगड़ने का उनके आप फंड नहीं दोगे उसमें, और उसके लिए प्रेशर कौन करेगा? तो ये संस्थान, सरकारी संस्थान बिगड़, फिर हमारी टीवी डिबेट्स आप देखो, उसमें बड़े बड़े कोट पहन के आके लोग बोलेंगे कि सर निजी व्यवसाय ही, मतलब निजी संस्थान ही अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, निजी संस्थान ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकेंगे, इवन मेडिकल कॉलेज तक का आप एजुकेशन देख लो। जबकि क्यूबा जैसा एक छोटा सा कंट्री, मैं जब आर्थिक ही सिर्फ बात करती हूँ, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, क्यों? आप समझ लो, साथ साथ इंडिपेंडेंट हुए, मगर चाइना की कोई, कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम अग्री नहीं होंगे, हम ऑथोरिटेरियनिज्म में नहीं मानते, मगर आपको मानना पड़ेगा उनको, जो लोगों का शिक्षा का स्तर नेशनलाइजेशन करके वो ऊपर लाए, उसके कारण एक आप ह्यूमन रिसोर्स भी तो बढ़ाते हो, तो उससे आप कितने आगे, वो भी एक बिल्कुल पछात देश था हमारी तरह, रशिया उससे भी गया गुजरा हुआ था उस जमाने में, मगर आप अगर लोगों के स्वास्थ्य और एजुकेशन पर अगर ठीक तरह से ध्यान दोगे तो ही देश आगे बढ़ेगा ना। तो देश का नक्शा जरूर, अगर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को, आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा की, कि सबको एक तरह का और अच्छी क्वालिटी का भी मुफ्त तो मिले और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले, उसकी सबसे पहले ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत थी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।